आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज बड़वानी शहर से सटे नर्मदा पट्टी क्षेत्र का ग्राम बुरखेड़ा निवासी 35 वर्षीय मनोज पटेल का पंजा कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए दूसरी बार चयन हुआ है। आगामी माह में उन्हें रोमानिया पहुंचकर स्पर्धा में शामिल होना है। उनके पिता खेती करते हैं। परिवार की कमजोर स्थिति के बावजूद संघर्ष कर ग्वालियर वखंड वा में कृषि संकाय से बीएससी और एमएससी पूर्ण की। वर्तमान में वे जिले के सिंधवा में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण कार्यालय में सर्वेयर के रूप में कार्यरत है। राजपुर ब्लॉक उनका फील्ड वर्क है। व्यायामशाला में भी सीखे पंजा कुश्ती के गुर। गुरुवार को प्रेस क्लब में मनोज पटेल ने बताया कि 2005 में ग्वालियर में बीएससी की पढ़ाई के लिए गए थे। वहां अपने सीनियरों के सानिध्य में आर्म रेसलिंग में हाथ आजमाया और सतत अभ्यास किया। इसके बाद खांडवा में भी पढ़ाई के दौरान इसका प्रशिक्षण जारी रखा और बारीकियां सीखी। वर्ष 2013 में शासकीय सेवा में आने के बाद अपनी पसंदीदा खेल को फ्रंट फुट पर लाए। बड़वानी की बजरंग व्यायामशाला में अभ्यास करते रहे। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर चुके छह पद का मनोज ने प्रारंभिक दौर में संभाग स्तर पर इंदौर भोपाल व ग्वालियर में रजत व कांस्य के 3 पदक हासिल किए। वर्ष 2016 में नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए उनका पहली बार चयन हुआ। वहां उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद वर्ष 2017 में दिल्ली में आयोजित स्पर्धा में कांस्य और वर्ष 2018 में लखनऊ में आयोजित स्पर्धा में रजत पदक के साथ द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं गत वर्ष 2018 में पहली बार उनका तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयन हुआ, लेकिन आर्थिक व अन्य परेशानियों के चलते शामिल नहीं हो पाए। इस वर्ष भी रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्पर्धा में उनका चयन हुआ है। 2 लाख रुपए से अधिक आएगा अनुमानित खर्च। खिलाड़ी को रोमानिया जाने के लिए उन्हें अनुमानित 2 लाख रुपए से अधिक खर्च होगा, जिसकी फिलहाल उनके पास व्यवस्था नहीं है। मनोज ने बताया कि जल्द ही खेल विभाग प्रशासन और सांसद विधायक से संपर्क कर सहयोग की गुहार लगाएंगे। अगर कहीं से सहयोग नहीं मिला तो दूसरी बार फिर वे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने से वंचित रह जाएंगे। खास बात है कि सीधे पैर से दिव्यांग मनोज अपने दोनों हाथों से रेसलिंग करते हैं। इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन द्वारा यह स्पर्धा आयोजित करवाई जाती है। इंदौर भोपाल और ग्वालियर में फेडरेशन संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रदेश भर में मनोज के साथ कुल 14 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में 4 बार भाग लिया। इस बार फिर उसने दोनों हाथों से पंजा रेसलिंग में 2 रजत पदक प्राप्त किया। मनोज का चयन अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियनशिप की सितम्बर माह में रोमानिया में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप भिलाई छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, जो 43 हुआ, उसमें मैंने दोनों हाथों से सिल्वर मेडल जीता है। ये प्रतियोगिता इसके बाद में आपका चयन कहाँ हुआ? इसके बाद रोमानिया सितंबर में होगा जो 41वीं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप रोमानिया। इसके पहले आपने प्रतियोगिता में कौन कौन से पदक जीते, कब कब जीते हैं? इसके पहले 2016 से कंटिन्यू नेशनल खेला है मैंने। इसमें 2016 मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा है, 2017 में ब्रॉन्ज रहा है, 2018 में राइट एंड लेफ्ट हैंड से सिल्वर मेडल रहा है और 2019 में भी राइट एंड लेफ्ट हैंड से सिल्वर मेडल रहा है। 2018 में आपका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था? जी, 2018 में तुर्की के लिए हुआ था मेरा सिलेक्शन, पर आर्थिक स्थिति की वजह से मैं नहीं जा पाया। आर्थिक स्थिति में शासन प्रशासन से आपको कोई सहयोग नहीं मिला किस काम के लिए? शासन से सपोर्ट मिला है, छुट्टियों वगैरह टाइम से मिल जाती थी जाने आने के लिए, पर आर्थिक रूप से नहीं हो पाया है। क्यों नहीं, इसको कोई कारण बता सकते क्या, क्यों नहीं? शासन का क्या कहना है? शासन का कहना है इसको अभी राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित नहीं किया गया, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपका चयन कहाँ हुआ है? अभी रोमानिया के लिए हुआ है। कब होगी प्रतियोगिता? तो सितंबर में। तो उसको जाने के लिए अभी क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आपसे, क्या आप आर्थिक रूप से जा सकते हैं सप्ताह में? सक्षम तो नहीं पूर्णतः, सपोर्ट मिल जाए तो कुछ अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? भविष्य कौन सा मेडल जीतना चाहते हैं? गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ देश के लिए। इसके लिए सपोर्ट मिल जाए तो मैं 100% गोल्ड मेडल ला सकता हूँ। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं डेली। जी, कहाँ पर करते हैं? बजरंग व्यायामशाला में। और ये प्रतियोगिता में आप कब से, इसके लिए आपको जो इंटरेस्ट है वो कब से जागृत हुआ? 2005 से मैं ग्वालियर स्टडी करने गया था, जब से वहाँ देखा मैंने तो वहीं से मुझे जागृत हुआ और तब से मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस खेल में। 2016 से सतत प्रयासरत हुआ।